फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और हम ढेर सारी खरीदारी अब करने वाले हैं। दिवाली का माहौल हो या उससे आगे वाले आने वाले त्योहार हो, खरीदारी हमारी प्रायोरिटी रहेगी। यानी हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कहीं ना कहीं करेंगे। हो सकता है कोई कोर्स ज्वाइन करने वाला हो या कोई किसी में एडमिशन लेने वाला हो किसी स्टडी में, तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज की बिक्री यानी सेल परचेज ये सब तो चलता रहेगा, इकोनॉमिक्स तो बैलेंस रहेगा। बट क्या इसके पीछे कभी हमने ध्यान दिया, हमारे पास एज अ कंज्यूमर, बीइंग अ कंज्यूमर, हमारे पास कुछ भारत सरकार ने राइट्स दिए हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें दी हुई हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है ताकि हमारे साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ राइट्स बताऊंगा जो कंज्यूमर्स को दिए गए हैं और एज पर लॉ हैं। बेसिकली आज मैं आपको कुछ ब्रीफ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में छोटी सी कुछ बातें बताने वाला हूँ। ये सब आपके नजरिए में होनी चाहिए बीइंग अ कंज्यूमर। अब चलिए इसको आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दूसरों को भी जानकारी का मौका दें कि उनके पास उनके राइट्स क्या हैं बीइंग अ कंज्यूमर। अगर आप देखें, जब आप परचेज कुछ करने जाते हैं तो हम उस पर नज़रअंदाज कर देते हैं उसकी रिफंड पॉलिसीज़ को, रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ को, उसके प्राइस को, उसकी क्वालिटी को, हम कभी ध्यान नहीं देते। या तो कोई ना कोई हमें रिकमेंड करेगा कि ये फलाना फलाना प्रोडक्ट है, ये आपको बहुत बढ़िया है, इसको लेना है, आप लीजिए, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमें कोई फ़ोन ख़रीदना है और हम डिफरेंट डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे जाके जस्ट हम एक प्राइस देख के, हम अपने अकॉर्डिंग अफोर्ड करने की ताकत को देख के हम उसको परचेज कर लेते हैं। अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल लें तो आपने ध्यान दिया होगा कई बार उसकी फ्लैश सेल्स आती है, या अभी आप चेक कर रहे हैं तो मान लो 12,000 का फ़ोन है, थोड़ी देर बाद देखेंगे आपको वो 11,500 का मिलेगा, हो सकता है वो थोड़ी देर बाद 13,000 का मिले, तो प्राइस फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत आपको नज़र आता है। तो ऐसी चीज़ों में दूसरी वेबसाइट्स पे उसकी कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ आपके अधिकार में आती हैं, ये सारी चीज़ों को ट्रैक करना। अगर आप किसी भी चीज़ से धोखाधड़ी फील होती है आपको, तो आप कंज्यूमर फोरम में उसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसी को सुनिश्चित करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसकी एक बेसिक से हिस्ट्री में जाएं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था सबसे पहले, और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए। देखो, वक्त बदलते बदलते, चीज़ों को बदलते बदलते, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने भी कुछ चेंजेस करे, आगे कंज्यूमर्स में भी नॉलेज आने लगी कि प्रोडक्ट सर्विसेज क्या होते हैं। ये सब करते करते सरकार को भी समझ में आया कि अब हमें कुछ चेंजेस सीरियसली करने चाहिए। तो 2019 में कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट को लाया गया, जिसको जुलाई 2020 में एक तरह से इफेक्ट में लाया गया। इसके बाद इस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, और अगर आपके पास कोई भी धोखाधड़ी होती है तो आपके पास पूरा हक है कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन डालने का। अब आपको क्या राइट्स दिए गए हैं ये समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उसको शुरू करते हैं। अब जानते हैं कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। जब आप परचेज करने जाते हैं तो जो प्रोडक्ट सर्विसेज आप सामने से ले रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, ये सारी चीज, उसका प्राइस, उसके इंग्रेडिएंट्स, सारी सुनिश्चित होनी चाहिए आपके सामने। कंज्यूमर के पास पूरे हक हैं। अगर उनको कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज में वो चीज़ नहीं मिलती जो बताई गई है तो इसका मतलब वो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एमआरपी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर कोई भी पर्सन मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा कहीं भी सेल कर रहा है तो इसका मतलब वो गलत काम कर रहा है, वो इल्लीगल काम कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम में डाल सकते हैं। और एग्जांपल्स के तौर पे लेते हैं इसको। रिसेंटली एक केस हुआ था ई कॉमर्स वेबसाइट का, जैसे ये दिवाली की सेल निकालते हैं, फ्लैश सेल्स होती हैं या दूसरी टाइप के ऑफर्स निकालते हैं, तो अचानक से क्या हुआ, अमेजोन के ऊपर एक प्रोडक्ट जो उनको फ़ोन परचेज करना था, नाइट के टाइम में उन्होंने जब सर्च करना शुरू किया तो उनको एक फ़ोन दिखा 99 रुपीज़ का। अब वो जो एरर था वो वेबसाइट का एरर था। अब उनके सामने 99 रुपीज़ डिस्प्ले हो रहा है, तो उन्होंने उसको परचेज किया। बाद में कंपनी ने बोला कि यहाँ पे ये जो था ये साइट का एरर था, तो हम इसको आपको रिफंड करते हैं, फिर से इसको परचेज करिए।
अब इस तरीके से उसको ऑब्वियसली 99 की चीज दिखी थी, कौन नहीं परचेज करना चाहेगा, उसको गुस्सा आया, तो उसने रिफंड तो मिल गया, बट स्टिल कंज्यूमर फोरम में उस पर्सन ने उसको वहां पे डाली कंप्लेंट। कुछ टाइम लगा और वहां पे कंज्यूमर फोरम, जो कंज्यूमर की काउंसिल्स हैं, उसने कहा कि आपने डिस्प्ले किया था, उस पर्सन ने परचेज किया, इसमें उस पर्सन की गलती नहीं है, मिस्टेक आपकी साइड से है, उसने परचेज किया, उसके नाम पे इनवॉइस जनरेट हुई, तो आप लायबल हैं उसको वो फोन देने के लिए, प्लस आप कंपनसेशन भी देंगे जो आपने ये सब हरकत करी है। इस तरीके से कंज्यूमर फोरम उसपे एक्ट करता है। एक और भी ऐसा रिसेंट केस हुआ ई कॉमर्स वेबसाइट का, जिसपे प्राइस फॉर एग्जाम्पल मान लो 12,000 समथिंग शो कर रहा था, उसने परचेज किया और उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने उसको रिफंड कर दिया ये कहते हुए कि हमारे पास प्रोडक्ट समथिंग नहीं है। ठीक है, तो चलो उसने रिफंड, उसने फिर वही फोन का प्राइस जब दूसरी वेबसाइट पे देखा तो उसको कहीं ना कहीं डाउट आया कि प्राइस के चक्कर में ही कंपनी ने ऐसा हरकत करी है, मना किया, तो उसने फिर से वो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन डाली। तो जब इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट की जो प्राइजेस होती हैं या उसका स्टॉक होता है वो सारा कुछ डिजिटली मेंटेन रहता है, तो आप उसको छुपा नहीं सकते। अब इशू ये है, हम जैसे लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को यूज ही नहीं करते, क्योंकि हमारा माइंड ही उस लेवल पे नहीं चलता। उसका रीजन ये भी है, अवेयरनेस नहीं है, हम जानते ही नहीं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। तो हमें जानना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों में जिनको समझदारी होती है वो अपने बेनिफिट्स उसमें से निकाल लेते हैं। अब इस पर्सन को डाउट हुआ कि प्राइस के चक्कर में कंपनी, क्योंकि मुझे कम प्राइस में दे रही थी, उसी प्राइस के बाद जब उसने कंपनी ने रिफंड कर दिया, इन एकदम से उसने दिखा दिया कि वो स्टॉक में प्रोडक्ट है, उसका प्राइस बढ़ गया, 11,500 की चीज एकदम से 12,500 या 13,000 के आसपास चली गई और दिखा दिया स्टॉक में है। तो इसके स्क्रीनशॉट्स, इसकी डिटेल्स उसने भी ले रखी थी, प्लस जब उसकी पूरी छानबीन हुई तो कंज्यूमर फोरम ने जो कोर्ट है, उनके जो अपने कोर्ट्स चलते हैं, अपनी पूरे पूरा इन सिस्टम चलता है, वहां पे उन्होंने कहा कि आप कंपनसेशन देंगे इस पर्सन को, और जो प्रोडक्ट वो लेना चाहता था उतने ही प्राइस में उसको देंगे। तो इस तरीके से आपस में फैसले होते हैं, प्लस कुछ कंपनीज हैं उनकी अपनी भी ग्रीवेंस टीम होती है, तो ये सारे राइट्स, उसकी क्वालिटी, मान लो आपको कुछ, फॉर एग्जाम्पल आप क्वालिटी चेक भी लैब्स वगैरह में अपने पर्सनल लेवल पे भी कराना चाहे उसको भी चेक करा सकते हैं, बट इतनी इतना कॉस्ट हमारे पास नहीं होता। तो बट ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि हमारे हक में क्या है। जैसे बोला जाता है कि 1 kg का प्रोडक्ट है और उसमें आपको दिखता है कि वो 500 ग्राम्स है, तो वो आपके जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट वो चीजें हो गई, या एमआरपी से कोई ज्यादा चार्जेस ले रहा है वो इलीगल सिस्टम हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, आपके आगे ये सब मैटर करता है, आपके पास पूरे अधिकार है। किसी की प्रोडक्ट की आपको क्वालिटी खराब निकलती है, लगती है, और आपको वो रिटर्न नहीं लेता, वो भी आपके अधिकार में आता है, आप कंप्लेन डाल सकते हैं। आपको इन सिस्टम्स में, प्रोडक्ट गुड सर्विसेज से रिलेटेड सिस्टम में, आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए कंज्यूमर फोरम होता है। हमें पहले यह समझना होगा कि एकदम से हम पहुंच जाते हैं, अगर हम पहुंच गए पुलिस स्टेशन, वहां पे एकदम से कार्रवाई नहीं होने पाई, क्योंकि वो कंज्यूमर फोरम के अंडर में ये सब चीजें आती हैं। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो उसको सिस्टम को देख रहा है, वो उसके अंडर में वो सब चीजें आती है। तो आपको समझना होगा सही राह कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है। तो आज मैं इस वीडियो में इसलिए आपको समझा रहा हूं कि आप एज अ कंज्यूमर कहाँ पे एक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है, कहीं भी कोई ऐसा कंपनी से रिलेटेड या कोई प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं, तो आप कहाँ अप्रोच करें। ये चीजें गूगल करेंगे तो आपको कंज्यूमर फोरम की एक पूरी वेबसाइट मिलती है, जहां पे आपको बहुत सारी कंप्लेंट्स मिलती हैं, उसके सॉल्यूशंस होते हुए दिखते हैं, आपके उसको रूल्स पढ़ सकते हैं। तो आप बहुत इजी है, गूगल सर्च पे कंज्यूमर फोरम लिखेंगे इंडिया तो आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई बड़ा हैक्टिक कोई काम नहीं करना पड़ेगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के लिए कुछ काउंसिल्स रखी गई हैं जो सेंट्रलाइज्ड और स्टेट दोनों को ऑथोराइज करती हैं कि आपको इन कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। बेसिकली कई बार क्या होता है कि बहुत सारी मिसलीडिंग एड्स आती हैं, मार्केटिंग हो रही होती है, आपको दिखाया कुछ और जाता है और प्रोडक्ट कुछ और निकलता है। जैसे बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स में भी ऐसा होता है, आपको एडवर्टीजमेंट दिख रही होंगी कि
ये बिजनेस मॉडल को ज्वाइन कीजिए, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारे लोग करते हैं, या बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका सिंगल लेवल मार्केटिंग का काम है, वहां पे वो लोग बताते हैं कि हमारे बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, आप लाखों करोड़ों कमाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, आप जब एंट्री करते हैं तो आपको पता लगता है इट्स सिंगल लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना देके, मिसलीड करके आपको एंट्री करवाई जाती है, अट्रैक्ट किया जाता है, तो बेसिकली वो होती है मिसलीडिंग मार्केटिंग। उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं कंज्यूमर फोरम में, और इसकी पूरा ये कंज्यूमर फोरम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अटैच्ड होता है, वो उसी का ही एक पार्ट है, ताकि आप लोग जब कंप्लेंट डालेंगे तो कंपनी के ऊपर अगर कोई कार्रवाई हुई तो वो कार्रवाई सीधा सीधा एमसीए के डायरेक्शन में काम करेगी, और हो सकता है कंपनी को वहां से रोका भी जाए, कंपनी को वार्निंग्स दी जाए कि आपके जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं वो कॉस्टली क्यों हैं, वो एमआरपी से ऊपर क्यों बिक रहे हैं, उनकी क्वालिटी खराब क्यों है, ऐसा हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है। तो एमसीए डायरेक्शंस दे सकता है लैब्स को इंडिया में कि इसको, इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी को चेक किया जाए, उसके बेसिस पे आगे फ्यूचर एक्शंस हो सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, हमारे पास अधिकार बहुत सारे हैं। अभी मैंने आपको एक ब्रीफ के तौर पे बताया था कि क्या क्या इन एक्ट्स में हो रहा है, अब मैं आपको एक्ट के साथ प्रॉपरली स्टेट करके बताता हूँ कि ये सब क्या है। एक एक्ट का जो प्रॉपर टाइटल दिया गया है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ लगती है, कोई सही प्रोडक्ट नहीं लगता, तो आप उसके अगेंस्ट एक डिस्प्यूट डाल सकते हैं। हर एक कंपनी में ग्रीवेंस सेल होता है, तो वहां पे भी आप डाल सकते हैं कि हमें प्रॉपरली आपका जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं लगा, आप इसको रिफंड कीजिए, आप रिटर्न करिए। और अगर कंपनीज भी नहीं करती इसको आपको फुलफिल, आपको आपके लिए हक में लड़ाई नहीं लड़ती, तो आप कंज्यूमर फोरम में जब जाएंगे तो ये जो एक्ट है ये उसमें आपका लायबल आएगा। ये एक्ट के तौर पे सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको यहाँ पे उसका पूरा एक रिड्रेसल, एक तरह से आपको पूरा उसका रिजल्ट ला के दिया जाए, आपको बताया जाए, आपको कंपनी के सामने रखा जाए कि आप जो बात कह रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट डिफेक्टिव लगा, आपके राइट के अगेंस्ट लगा, कंपनी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो बेसिकली दोनों का जो डिस्प्यूट है उसको रिड्रेस, उसको सही करने के तौर पे ये एक्ट काम करता है, और इसी के बेस पे कंज्यूमर फोरम एक्ट करता है। अगला क्लॉज कहता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। जैसे ये नाम ही प्रॉपरली समझ में आ रहा है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, इसका मतलब है आपको झूठे वादे, अनफेयर प्रैक्टिसेस करके, यानी गलत तरीके से आपको प्रोडक्ट बेचा गया, आपको सर्विसेज बेचे गए, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में। ये एक्ट आपको सुनिश्चित करता है कि ये आपको आपके अधिकार, आपका हक आपको दिलाएगा। अगर आप कहीं भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं किसी भी एरिया में, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कहीं भी आप देख रहे हैं और आपको डाउट आता है, तो आप कंज्यूमर फोरम में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन है या कोई भी कंपनी है, ये हमको एक एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है कि मान लो फॉर एग्जांपल 2 करोड़ कमाओ, 3 करोड़ कमाओ, और आप ये ज्वाइन कर लो या ये प्रोडक्ट ले लो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेयरनेस क्रीम्स आ रही हैं, अब फेयरनेस क्रीम्स जरूरी तो नहीं हर किसी को गोरा कर देंगी, उनका भी एक बॉडी का भी एक एलिमेंट होता है, बॉडी भी एक हॉर्मोन्स के ऊपर नेचुरली एक्ट करती है, तो ऐसे केसेस में जरूरी नहीं है कि वो फेयरनेस क्रीम भी आपको 100% एक्ट करेगी, हो सकता है कुछ पार्शियल करे। और अगर आपको सामने वाला पर्सन गारंटी दे रहा है कि 100% आप गोरे होंगे ही होंगे, तो ये मिसलीडिंग है। आपको 100% श्योरिटी दे के और रिजल्ट 0 आना, या रिजल्ट ना के बराबर आना, ये इलीगल एक्टिविटी में आता है। तो ये हमारे पास अधिकार है कि हम उसके अगेंस्ट कंप्लेन डाल सकते हैं कंज्यूमर फोरम में। अगले एक्ट को हम समझते हैं, प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। प्रोडक्ट लायबिलिटी का मीन्स हुआ कि अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया और वो आपके ऊपर गलत रिजल्ट दे गया, तो उस कंडीशन में आपके पास अधिकार है, आप कंपनी को बता सकते हैं, आप अपना कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं, नहीं तो आपको आगे स्टेप लेते हुए कंज्यूमर फोरम में जाना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे मैंने अभी क्रीम का एग्जांपल लिया, अगर क्रीम आप लगाते हैं और आपके पास नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं,
तो उस कंडीशन में कंपनी अगर आपको सपोर्ट नहीं करती, आपका ट्रीटमेंट नहीं कराती, आपको कॉम्पेंसेशन नहीं देती, कोई और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं देती जिससे आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके, तो उस कंडीशन में कंज्यूमर कोर्ट बीच में एक्ट करेगा और आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा। और वो ये हो गया एक तरह से पूरी की पूरी प्रैक्टिसेस जो इलीगल चल रही हैं उसके कानून के अधिकार पे आगे काम करेगा। अब जो अगला इसके साथ जुड़ता है वो है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स। आज का टाइम ई कॉमर्स का हो चुका है। मैक्सिमम लोग जैसे लाइफस्टाइल हमारा चेंज होता जा रहा है, सीडेंट्री होता जा रहा है, तो इन कंडीशंस में मार्केट में जाके परचेजिंग करना सब नहीं कर सकते। आजकल का जो यूथ है जो ऑफिस में दिन से रात तक काम कर रहा है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर मार्केट में जाए कुछ परचेज कर सके, सबके पास नहीं है। तो उस कंडीशन में वो ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। ई कॉमर्स में मतलब यही है कि सुनिश्चित किया जाता है जो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर वेबसाइट के वेयर हाउस में है वो आपके घर तक प्रॉपरली डिलीवर हो। अगर वो प्रॉपरली सर्विस के साथ डिलीवर नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो इलीगल कानून में आता है। आपसे वो परचेजिंग पूरी पैसे ले लिए और उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता या प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया जाता है, तो उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट्स डाल सकते हैं कि आपको पहले कहा गया था कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी है, फ़ोन है, लैपटॉप है, कोई और गैजेट है, क्रीम है, कोई ग्रॉसरी का सामान है, कुछ भी आइटम है, वो प्रोडक्ट स्टॉक में कहा गया, उसके अंदर मना कर दिया गया, तो आप इसके अगेंस्ट भी आप जा सकते हैं कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट में। तो मैं उम्मीद करूंगा ये सारे अधिकार जो अभी मैंने बेसिक के फॉर्म में आपको समझाए ये आपको समझ आए होंगे और आगे भी इस पर थोड़ी सी आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ डिटेल में चाहिए कि कंज्यूमर कोर्ट काम किस तरीके से करता है, हम कंज्यूमर फोरम को अप्रोच किस तरीके से करें, तो आप कमेंट सेक्शन बताना, इसके आगे की फर्दर स्टडी मैं इसमें वीडियो में लेके आऊँगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय, टेक केयर।